यार, ये 5 बजे का अलार्म लगाकर कहाँ चला गया? सकते हो यार, मुझे नहीं लगता तुम इस साल एग्जाम में पास करोगे। तुम्हें ये क्या सब खेल लगता है? वहाँ सारे लड़के सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और तुम्हें थोड़ा भी टेंशन नहीं है। ए, विशाल, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या है काय का टेंशन? क्यों टेंशन लेने का? साल के 365 दिनों में पढ़ाई नहीं की तो 3 दिन में क्या पढ़ाई कर लेंगे? मैं देख रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से चेहरे पर मास्क लगाकर हाथ में बुक लेकर ऐसे घूम रहे हो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो। कोई विश नहीं कर रहा है, हाय हेलो नहीं। क्यों तुम लोग इतना टेंशन ले रहे हो? जो भी सवाल आएगा इसी किताब से आएगा ना। जो सरस्वती हमें ज्ञान देती है वो खुद ऊपर बैठकर वीणा बजा रही है और तुम लोग यहाँ बैठकर टेंशन ले रहे हो। ए, विशाल, सरस्वती के वीणा बजाने से तुम पास नहीं करोगे। हेलो हेलो, इधर आओ। हॉस्टल का फोन नंबर बताना। क्या कहा आपने? हॉस्टल का फोन नंबर बताओ यार। 2-4-2-3-2-7-2-4-2-3-2-2-7-1 एक फोन नंबर पूछ रहा हूँ तो इतना कंफ्यूज हो रहा है। इन 4 सालों में इसने यहाँ का नंबर कितनी गर्लफ्रेंड्स को दिया होगा, कितनी बार तुमने उन्हें फोन किया होगा। इसलिए टेंशन लेने से जो कुछ भी याद है वो भूल जाएगा। अगर रिलैक्स रहेगा तो भूली हुई बातें भी याद आती है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले थोड़ा साइलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। मन में हमेशा खुशी रहनी चाहिए कि हमने 4 साल पढ़ाई की, अब 4 दिन में टेंशन लेकर हमें उसको खोना नहीं चाहिए। बुक को बंद कर और माइंड ओपन कर, हम लोग जरूर पास होंगे। ए, बुक पढ़कर तो मैं कंफ्यूज हो गया था, पर बालू के कहने पर मेरा माइंड ओपन हो गया। हे, जो भी सवाल आने वाला है इसी बुक से आने वाला है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? चल इस बुक को फेंक दे। हेलो, एग्जाम के टेंशन में सारे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और तू सिटी बजा रहा है। जो सरस्वती ज्ञान देती है वही सरस्वती बैठकर वीणा बजा रही है, मैं टेंशन क्यों लूं सर? कहा था कि लास्ट 3 दिन पढ़ाई मत करो, मैंने नहीं किया इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पाया। ए, मैंने ये बात पूरे साल बुक लेकर पढ़ने वालों को कही थी, तू तो अंतिम दिनों में भी पढ़ाई नहीं किया इसलिए ये बात तेरे पे वर्कआउट नहीं करती। चल निकल। हेलो हेलो कार्तिक। कार्तिक फोन। हेलो हेलो कार्तिक। आंटी, मैं विशाल बोल रहा हूँ। अरे बालू, कार्तिक कहाँ गया? किधर गया कार्तिक? वो कैंटीन में है। कुछ बात है क्या? मैं उसको बोल देता हूँ। उससे बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही है। एग्जाम को लेकर कोई टेंशन तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एग्जाम कब खत्म होगा, वो कब निकलेगा? कल खत्म होने वाला है। अरे बालू, 4 साल
हफ्ता से सिर्फ फोन पे ही बात हो पा रही है। कभी अपनी शक्ल तो दिखा जा कार्तिक के साथ, इस बार घर आ जाना, यहीं से गाँव जाना। ठीक है, जरूर आऊंगा। ओके आंटी। धुम तिनक दिन ताना, तक दिन तनक दिन ताना, हाय हेलो का जमाना, कोई दिल पे कुछ न लगाना। हाय धुम तिनक दिन ताना, तक धिनक ताक दिन ताना, हाय हेलो का जमाना, कोई दिल पे कुछ न लगाना। होटो पर है नाम स्टाइल का, ऑटोग्राफ उस पर स्माइल का, रेडीमेड है जीने का हर पल। ओए 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 ओए, चैन नहीं है एक पल, डर है सब खोने का। नाइट डे में फर्क है क्या, अंदाज है जीने का। सुलग रही चार मोहब्बत, सुलग रही सौगत लाया फिर भी नई सोच का। सुलग रही प्यार मोहब्बत, सुलग रही सौगत लाया फिर भी नई सोच का। धूम तिनक दिन ताना, तक दिनक ताक दिन ताना, हाय हेलो का जमाना, कोई दिल पे कुछ ना लगाना। नहीं हूँ जैसा, दिल तो पागल है, डे नाइट कैसा नहीं है ऐसा कैसे समझाए। हिंदी फिल्मों के ये पोस्टर देखकर सब बन जाते हैं जोकर, इमोशनल ये अत्याचार, सर के ऊपर खा लो थप्पड़। राजनेता हो या योगी स्वामी, चाहे जितना भी हो या बड़ा नामी, स्टाइल है इनका बड़ा दामी, और पुल खुल गई तो वो बदनामी। ऐसे ही चले इनकी कहानी, इनसे ही जुड़े हैं जो नाम है सब बड़े बड़े। सुलग रही प्यार मोहब्बत, सुलग रही सौगात लाया फिर भी नई सोच की। मुश्किल की घड़ी सब होते हैं बेचैन, यार की हंसी भर देती है फिर सबके दिल में चैन। कॉलेज के दिन भूलना मुश्किल, कॉलेज फ्रेंडशिप प्यारी मंजिल, झूठ झमेला और मस्ती में कट जाते हैं सबके हर दिन। सुनहरी यादें न भूले कभी, ऐसे दिन न फिर मिले कभी, बियर की चुस्की से दिल डरो, कैसे है जिंदगी सब बोलो। छोटी छोटी खुशी, थोड़ी थोड़ी हंसी, एकता के साथ रहे देखे है ये जमाना। चेन्नई हो या मुंबई, हमसे है ये जमाना, नाइट हो या डे हो, हमने सीखा है हराना। सुलग रही प्यार मोहब्बत, सुलग रही सौगात लाया फिर भी नई सोच की। सुलग रही प्यार मोहब्बत, सुलग रही सौगात लाया फिर भी नई सोच की। सुलग रही प्यार मोहब्बत, सुलग रही सौगात लाया फिर भी नई सोच का। सुलग रही प्यार मोहब्बत, भड़क रही सौगात लाया फिर भी नई सोच का। अच्छा भाई कल मिलते हैं, चल।
अरे मदुरई के लिए यहाँ टिकट रखा था, कहाँ गया? चिदम्बरम जाने के लिए मदुरई का टिकट नहीं चलेगा। क्या बोल रहे तू? पहले हम चिदम्बरम जाएंगे, वहाँ से मदुरई जाना। तुमने माँ को फोन पे कबूल किया? अरे तुम्हारे तु? ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो। तू अपना घर मुझे मत बता, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तो ढूंढ लो। मेरा घर कैसे ढूंढ लिया? अरे अरे कार्तिक, तू कब आया? कैसा है तू? इधर कहाँ जा रहे हो? माँ, कार्तिक आया है। माँ, कार्तिक। विशाल, ये मेरी बहन है, आओ अंदर। अरे कार्तिक, आजा 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 बालू। क्या माँ, ये घर की हालत क्या? अरे तू ये छोड़। हाँ, अरे बेटी ये बैग ले, इसे जाकर अंदर रख दे, फिर घर की सफाई कर। मैंने कल फोन पे बताया था ना कि मैं आ रहा हूँ। अभी ये आ गया ना, बहुत परेशान करके रखेगा। सवेरे स्वामी जी आए थे ना, इसलिए घर में थोड़ा काम था। तुम लोग आ गए ना घर में, ये मेरे बेटी जैसा है, कुछ गलत नहीं सोचेगा। मैं सब कुछ रेडी कर देती हूँ, इसके लिए तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ए, जल्दी से उठा कर रखो इसे। क्या है? ड्रॉप दिखाना है तो बाहर जाकर दिखाओ, मुझ पर नहीं। इधर हॉस्टल नहीं है, घर है। यहाँ पर रहना है तो यहाँ के बन के रहो, समझे? ए, ऐसी दूंगा ना तेरी तो, अभी दिखा। इग्नोर इसको, सिर्फ तुम्हें एक ही मार्क मिला है, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। चुप चुप कर। अगर फिर कम नंबर आया ना। कार्तिक एक मिनट, इधर आना। क्या हुआ? तू आना। क्या हुआ बताओ तो। अच्छा पूरे गांव को सुनाओ क्या? तुझे यहाँ आने के लिए कहा ना, तो तू आता क्यों नहीं है? आना। क्या हुआ बताओ? वो क्या है ना, हम लोग जिस रास्ते से कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर एक साइकिल स्टैंड है, वहाँ लड़के खड़े होकर हमें छेड़ते हैं। मैंने सोचा तू आएगा तो तुझे बताऊंगी, तू जाकर उनसे बात कर। मैं क्या करूँ बात, चल निकल। ऐसा बोल रही है कि तुम्हें ही आके छेड़ रहे हैं। मुझे नहीं छेड़ते तो क्या हुआ, बाकी लड़कियों को तो छेड़ते हैं ना। कैसा भाई है तू? क्यों रे, कॉलेज जाने वाली लड़की से लड़के छेड़छाड़ करते हैं और तू ऐसी बात कर रहा है? कॉलेज? कौन सा कॉलेज? ट्यूटोरियल कॉलेज है यार। हाँ, और ये मीरा है ना, सीधी मत समझना इसे, ये खुद ही चार लोगों को छेड़ कर लाएगी यहाँ पर। इसे कौन छेड़ने वाला है यार, इस पूरे परिवार में एक मैं ही हूँ जो यहाँ लड़की के जैसा रहता हूँ। यहाँ का माहौल अलग है, हर एक फिल्म चार बार देखती है ये, एक पैसा घर पे नहीं रहता है। पिताजी जब इसे पीटते हैं ना, तब इतने जोर जोर से चिल्लाती है पूरे गांव को पता चलता है। अब तो पिताजी ने इसके ऊपर हाथ उठाना भी छोड़ दिया है। पता है पिताजी ने उसे एक दिन पकड़ लिया, महारानी जी एक दिन गुल्लक से पैसे उठा रही थी। रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है तू? कितनी बार बोला है कि चोरी मत कर, मत कर चोरी, चोरी कर, चोरी कर, चोरी कर, रुक जा, अभी बता तुझे, हाँ, बोल, फिर चोरी करेगी, बोल, फिर चोरी करेगी तू, बोल, 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 नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, हाँ, नहीं बोलेगी, ऐसे कहेगी तू, पिटती रहेगी। लगता है इस पे देवी आ गई है, नाटक कर रही है, गुल्लक से पैसे चुरा के नौटंकी कर रही है अभी। ए कृष्णा मूर्ति, मैं अपना पैसा लेने के लिए किससे पूछूं? कैसे मेरा नाम ले रही है? ये सीता लक्ष्मी, तेरे पति ने जो गलती की है उन्हें मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी होगी। और जी सुनिए जी, ये जो बोल रही है वैसे कीजिए ना। अरे जल्दी से पैर छुइए। क्या चल रहा है माँ, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे चुप कर, इस पे जो माता है अपनी कुल देवता है, मतलब गंगा माँ है। क्या बोली, गंगा माँ?
ये मुझे शक की नजर से देख रहा है, इसे बोल मेरे पैर छूकर माफी मांगे। इसे पैर पड़ ले। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। माँ छू ले। बस हाय कार्तिक। अरे आ जाओ। क्यों इलंगो, जब कार्तिक आता है तभी तो इस घर में आता है। हेमा अभी तक तो कॉलेज नहीं गई। ज्यादा बोल, मैं तेरे बारे में सब बता दूंगी। तूने बहुत बड़ी डिग्री ली है क्या? खुद को होशियार समझता है। अरे क्या हो रहा है ये सब कुछ, क्यों तुम सुबह सुबह इसके मुंह लग रही हो? क्या चाहिए इसे? ये सब घर पे रखने को बोलो। तुम एक विशाल, ये मेरा दोस्त है इलंगो, बहुत प्यारा। इसके सारे दोस्त पागल लगते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जाएंगे, फेरी वालों की तरह भटकते रहेंगे। और क्या काम है इन लोगों के पास इसके सिवा? ए, ए चल जा। ए, आज उसका मूड अच्छा है इसलिए तुमसे ठीक से बात तो कर रही है। बहुत ओवर हो रहा है उसका। हे तू कब आया? आज ही आया, ये मेरा फ्रेंड है। अरे इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? हेलो बॉय। तू जा रहे कहाँ जा रहे हम लोग? शेर पकड़ने जा रहे। हे चल चलते। ओके ठीक है। एक मिनट एक मिनट। लाइफ है यार। ए, ए, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दोस्त आया इसलिए आया। ओ, ओ, हेलो हेलो बॉय। ए दोस्त कैसे हो? ठीक है चल चल। ए इससे 25 रुपया ले लेना, चलो। हाँ कहने लायक लोग, कुछ काम धंधा तो है नहीं, किधर जा रहे हो तुम लोग? पता नहीं क्या करते हैं, पुलिस से पकड़ाऊंगा तुम सबको। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है। अरे ऊपर जाके क्या करोगे? ए छोड़ ना यार, चल ऊपर आ। पता नहीं ये लोग ऊपर जाकर क्या करते रहते हैं, बस ठक ठक की आवाज आती रहती है। अरे इंजीनियर कैसा आ रहे तू, कब आया? आज ही आया। सुन ये मेरा फ्रेंड है। हेलो दोस्त, यही मेरा ताजमहल है, बैठिए। नहीं नहीं मैं यही बैठ। इस ताजमहल में टूटी फूटी कुर्सी भी होगी, देखकर बैठना। अरे भाई तू शांत रह, सब देख लिया जाएगा। अरे अभी रुक रहे, स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लाया? अरे बोतल बोतल है इधर। हाँ बोतल है, क्या करने का तेरे को? इधर आप जवाब देकर जा डेट पुड़िया, मैं कह रहा हूँ जवाब देकर जा। ए रुक इधर। ए ज्यादा बोला ना, बोतल सर पे मार दूंगा मैं। चल चुपचाप जवाब देकर जा। अरे निकाल के लेके आ। ए तेरे को बोला ना शांत बैठ, मैं तेरा सर मार दूंगा। ए, अरे ये बुड्ढा आते जाते हमेशा परेशान करता है, एक दिन इसको खटमल की तरह मसल डालूंगा। अरे तू क्यों उसके मुंह लग रहा है, चल दे। हेले चल चल बिछा रहा हूँ। करता हूँ जल्दी कर। बैठो आओ बैठो, चल नीचे बैठ। अरे रुक ना मैं ओपन करता हूँ। देख ना ओपन करने आ गया। ए जहाँ गलती होती है वहाँ तू होता है, लेकिन तू गलती नहीं करता है, अच्छी परवरिश दी है तेरे टीचर बाप ने। बस कॉलेज की पार्टी में इसने लड़कियां बहुत छेड़ी होंगी। कौन ये कमीना? लड़की वहाँ से आती है तो ये सर झुका लेता है। अभी तक ये सुधरा नहीं। हाँ तुम तो बहुत सुधरे हुए लड़के हो ना, ले पी। अरे इसमें इतना झाग है। चीयर्स चीयर्स। बस हिला गिला साइड में रखना, नहीं तो ये ऊंट की तरह चूस लेगा सब।
आशिका। ये कब तक चलेगा? कौन है ये लोग? कौन है? काशिक आदमी है। ये देख वो कैसे देख रहे हैं। ए, तू खामखा परेशान क्यों हो रहा है? क्यों बैठ? ये लोग नहीं सुधरेंगे। हे, तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो विशाल चल निकलते हैं। दंगे फसाद पूछने वाला तो कोई है नहीं। कितने खून किए उसने आज तक, कोई कुछ नहीं कर पाया। काशी बहुत बड़ा गुंडा है, उससे लड़ने वाला यहाँ कोई नहीं है। पुलिस के रूल्स अधिकार इनका तो कुछ नहीं चलता है। सब कुछ उसके हाथ में है, जो वो बोलेगा वही न्याय है। पहले तो बस स्टॉप पे दादागिरी करता था, एक दिन उसने पांडे को बीच रास्ते में काट दिया। तब से धीरे धीरे आज वो बहुत बड़ा गुंडा बन गया है। जो तुमने आज देखा वो तो कुछ नहीं, इससे भी बड़े बड़े कांड होते रहते हैं यहाँ पे। जरा भी बात करने का तमीज नहीं है इनमें। कौन बड़बड़ कर रहा है रे? ए, बोल, कौन तमीज सिखाएगा हमें? तू सिखाएगा क्या? ए यार, क्यों उस टकलू के मुंह लग रही है? क्या बोली? इज्जत से बात कर, इज्जत से। मैं तुझे उधर देख। देखा इसका असली रूप? इसे कौन छेड़ने वाला है? अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बहुत सही बोली तू। अरे यार इसने तो हद कर दिया यार, इज्जत की भजिया बना दी। विशाल चल हम लोग निकलते हैं। चल मैंने देखा है वो क्या कर रही थी, इसके सामने तो गुंडे अच्छे हैं। कहां से लेकर आई थी इसे? आने दे, आज देखता हूँ उसको। तुमने अच्छी तरह से देखा ना, वही थी क्या? मैंने खुद देखा है माँ, समझती नहीं हो तुम। ये भी था वहाँ पर, पूछो इसे। बहुत सीधी सादी लड़की है ना, आने दो उसे। ये प्रोफेसर्स लोग भी ना एक ही दिन में पूरा पोर्शन पढ़ा देंगे। इतनी थक गई हूँ माँ, थोड़ी सी कॉफी पिला दो ना। ये एग्जाम्स, मार्क्स, रिजल्ट पता नहीं किसने बनाया। ओफ ओफ, इतना टेंशन। अब ऐसे में तो मुझे फेल होना ही था, इसलिए मैंने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। कार्तिक पंखा देना ना जरा। ए, झूठ मत बोलना तुम, पिक्चर गई थी। हा? ट्यूशन स्पेशल क्लास के नाम पर दिन भर घूमती रहते हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी सीटियां मन्नार के ऊपर चिल्लाना देखा है मैंने। थिएटर गई थी कि नहीं? क्या बोल रहे हो कार्तिक? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रॉमिस किया था कि पिक्चर नहीं देखूंगी। अभी क्या है, वो कोई और होगी। तुम किसी और को देखकर मुझ पे चिल्ला रहे हो। मैं सच कह रही हूँ कि मैं ट्यूशन से आ रही हूँ। मैं स्वीटी रेवती साथ में थे, तुम स्वीटी रेवती को फोन कर लो। स्वीटी रेवती तुम्हारी तो फ्रेंड्स है, कुछ तो तमीज है उन्हें, हाथ में दुपट्टा लेके घूमती है, शर्मानी चाहिए उन लोगों को। बकवास बनकर नहीं तो इसको गाली दूंगी। गाली दोगी? गाली? अरे गाली देकर दिखा, चल। ए तुम भी थे ना मेरे साथ, बताओ ना। छोड़ना, बोलो 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 बोलो, बताओ वो यही लड़की थी या नहीं? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यार। रुक तू, टिकट तो होगा इसमें। ढूंढ ले, अच्छी तरह से ढूंढ ले। ए, वो सारे टिकट्स मुझे दे दे। हाँ ये लो।
गुनाह किया है तो उसका सबूत नहीं होना चाहिए। कहाँ रख दिया? कहीं इसने तो नहीं लिया? नहीं नहीं, इसने नहीं लिया होगा। हेलो, पर्स तुम्हारा है क्या? सॉरी यार। शक कर रहे हो क्या? घर आए मेहमान के साथ हम गलत नहीं करते। ए हटो, चलो ए चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, भीड़ मत करो, चलो पीछे हटो, चलो हटो यहाँ से। अरे बोला ना पीछे, चल पीछे, चल चल पीछे, पीछे रहो, पीछे रहो, चलो निकलो यहाँ से। ए पीछे हटो, चलो चलो पीछे हटो, चलो चलो निकलो, ए हटो हटो, चलो पीछे, चल जाओ जाओ घर जाओ, चलो चलो भीड़ मत लगाओ, चलो चलो, ए चल इधर से, चल निकल, हाँ चलो जाओ जाओ जाओ। सर ये भीड़ क्यों लगी है? जाओ यहाँ से निकल जाओ, जाओ। अरे सर जाओ, मैं कह रहा हूँ, चलो चलो। अरे हाँ चलो, क्या देख रहा है? मजा हो रहा है? काशी का चल भाग पीछे, पीछे मत देख, चलो। तुम लोग कैसे आए? पूरे शहर में आतंक छाया है। यहीं पे घूम के आए। हाँ ठीक है, आ जाओ। ले और वो भी लेके जा। बैठो बैठो, आओ बैठो। हम लोगों को यहाँ पे आए हुए 20-25 साल हो गए। हर दिन यहाँ दंगा फसाद होते रहता है। पूरे गांव को उसने दबा के रखा है, कौन उससे लड़ेगा? सब लोग डरते हैं उससे। गीता में लिखा है कि जब जब अन्याय होता है उसे खत्म करने के लिए भगवान अवतार लेता है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिम्हा ने अवतार लिया था। पुलिस कोर्ट सब कुछ रहकर भी कोई फायदा नहीं है, सब कुछ बेकार। और नहीं तो क्या, इस गांव में कोई मर्द नहीं है, सब चूड़ी पहन कर बैठे हैं। ए, तुम चुपचाप बैठो, ये बातें यहाँ पे क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या, सब लोग खामोश बैठे हैं, इसलिए तो दिन ब दिन उसकी दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। ए, तू अंदर जा। बॉस वो मंदिर तो देखो। क्यों? ए, ये देख क्या बोल रहा है, उसको बताना शुरू कर दिया तूने? सब कुछ बता दे उसको, चुप मत, चल सीधे। बाद में बताता हूँ। अभी क्या बताएगा, स्टार्ट कर दिया ना, अभी बता दे नहीं तो तेरा पेट फट जाएगा। क्या वो बोलना? अरे मंदिर में अभिषेक हो रहा था तो इसने पुजारी की बेटी को चिमटी ले ली, तभी फिर उस लड़की ने उसे चप्पल से मारा। ये वही मंदिर है। फिर तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, इन दोनों की शादी हो गई, अब दोनों के बच्चे भी है। ए, तुम लोगों के बारे में बताऊंगा तो बेसमेंट हिल जाएगा। ज्यादा बकबक मत करो और सीधे से चलते रहो, समझ गए कि नहीं? चलो आओ। ए, तू सुधरेगा नहीं। चल भाई तेल डाल। छोड़ूंगी नहीं, फंस गए तुम लोग, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, बताती हूँ। अरे कोई तो मान लो, नहीं तो एक की वजह से सबको फंसना है क्या? नाटक नहीं, नाटक नहीं, कोई भी मुंह खोलेगा तो मारूंगी उसे। तुम लोग यही बैठे रहो, मैं सर को बुला कर लाती हूँ। तुम्हारे बारे में अंदर पंचायत हो रही है। क्या हो गया? फंस गए, बड़ा इशू है, पापा को बताऊंगी। बताओगी तो क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हो, ड्राइंग बना के मिल्की आई लव यू सीधे दिखते हो लेकिन हो नहीं। लेकिन हुआ क्या, मिल्की क्या है? नहीं पता, मिल्की मतलब बालू, समझ गए? देखो प्लीज मिटा दो, पता नहीं किसने लिखा है ये, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। छोड़ूंगी नहीं। ये क्या, पिताजी आ रहे हैं? बताती हूँ। अरे सुनो, क्या हुआ बच्चों, होमवर्क कर लिया?
अरे सुनो क्या हुआ? अरे बाप रे क्या हुआ? क्या काम से? अरे मैं पूछ रहा हूँ होमवर्क किया कि नहीं किया है? बच गया। क्या बोल रही हो तुम? बच गया फंस गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा समझ में नहीं आया? वो लड़कियों ने ड्राइंग करके मिल्की लिखा था, मैटिया को सीरियस करने के लिए मैंने आई लव यू लिख दिया। यहाँ पर काफी लड़कियाँ आती हैं, इसलिए जरा संभल कर रहना। रुक, देख लेता तुझे, तेरी तो, तेरी, तू ना, अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा तू। चल। साहब जी खाना लगा दो, उसको आने को बोल। ठीक नमस्कार भाई। ओ, खाने के वक्त आ गया मैं। कोई बात नहीं, मायापुरम का जो आपका केस चल रहा था उसी जज से मिलकर आ रहा हूँ। उसने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से बात की, इरोज ने फिर जज से बात की तो वो मान गया है। अब आपको आने की जरूरत नहीं है, चारों लड़कों ने सरेंडर कर दिया है। बेटा मेरी बात मान ले। जमानत लेना मुश्किल नहीं होगा, वो तो मैं ले ही लूंगा, बस एक बार जज से बात करनी पड़ेगी। जमानत तो मिल ही जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जज से मैं बात कर लेता हूँ। वो क्या है ना कि सैटरडे और संडे पड़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जज मान जाएगा। ए, इस लड़के की वजह से डिस्टर्ब हो रहा क्या है? कौन है पता है? ये नथु का पोता है। मैंने कई बार अपने आदमियों को बोला कि अधूरा काम करके मत आया करो, अभी इसकी चाकू पकड़ने की उम्र नहीं है। मैं हाथ धोने के लिए गया तो इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए भी गया। उसको उठा के लेके जाओ, फेंक दो किसी कचरे के डिब्बे में, ले जाओ, ये उसी के लायक था। ले जाओ जल्दी। सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर दिया मेरा। ए, ये बिल्डिंग रहेगी लेकिन वो नहीं रहेगा। समझ गया। ए, 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 जाने दे, उसको मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं, नहीं तो टच नहीं करता। सारा सामान रख लिया ना? क्यों भाई, पूरी तैयारी हो गई,
दो चार दिन और ठहर जाते? नहीं सर, यहाँ आए 4-5 दिन हो गए हैं। माँ मीरा कहाँ है? उसे पता है हम लोग जा रहे हैं? आज एग्जाम का लास्ट दिन है, वो अपनी सहेली के पास गई होगी। चलो चलते हैं, टाइम हो गया है, चलिए। हाँ चलिए मच्छी। हाँ, ठीक है ठीक है, संभल के जाना बेटा। रखना। चलता हूँ पिताजी। अरे दे, अरे दे ना यार। अरे यार कम से कम एक कश तो पी लेने दे। बॉस ये लो। देखो बॉस, मैं झूठी सिगरेट नहीं पीता। इसे दूर कर दो, समझे तुम लोग? अरे क्या हो गया? आग कैसे लग गई अचानक से? अरे काशी को अरेस्ट कर लिया है क्या? दंगा होने से पहले घर चलते हैं। चलो चलो। अरे किसी दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते क्या? चलो जल्दी चलो। अरे क्या हो गया, वापस क्यों आए? आज हम नहीं जा रहे माँ, सभी बसें बंद है, पूरे गांव में दंगे हो रहे हैं। क्यों, किस लिए? काशी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसलिए कहती हूँ, जब बड़े लोग कहे तो मान लेना चाहिए। मैं कह रही थी एक दो दिन रुक जाओ, लेकिन तुम माने नहीं। अच्छा बताओ कुछ खाया या कैसे नहीं? खाएंगे, स्टेशन से यहीं तो आ रहे हैं। ठीक है चिंता मत करो, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। हेमा मुझे पता कर नहीं गया ना, इसीलिए वापस आना पड़ा। मुझे छोड़कर नहीं जा सके ना, वापस आना पड़ा ना। देखो चेहरा कैसा है। हेलो माचिस है क्या? माचिस? तुम सिगरेट भी पीती हो? क्यों, तुम लोग दारू पीते हो, मैं सिगरेट नहीं पी सकती? हाँ कहीं पर लिखा हुआ है क्या? उस दिन तो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, हाँ दारू पी रखी थी। कार्तिक भी पीता है? नहीं नहीं नहीं, कार्तिक तो नहीं पी सकता। जब कपड़े धोने के लिए देती हो तो ये सब निकाल के नहीं रख सकते? ये तो अच्छा हुआ कि ये मेरे हाथ लग गए। कार्तिक ने कहा था कि उसकी एक बहन है, लेकिन ऐसी बहन है ये मैंने सोचा नहीं था। तो क्या हुआ, बोल दो, बात जुबान तक आ गई है तो बोलने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि इतने सालों तक माँ मुझसे फोन पे बात करती थी, लेकिन तुमने कभी हॉस्टल में फोन नहीं किया था। बिल्कुल की है, मैंने तो 4 बार बात की है। 4 बार? किससे? तुमसे। मुझसे? बिल्कुल। हेलो बालू, कैसे हो? कार्तिक कहाँ है, किधर गया? 4 साल से मैं तुमसे फोन पे ही बात कर रही हूँ, कभी तो घर आके अपनी शक्ल दिखाओ। तुम तो अपनी माँ की आवाज में बात कर रही हो। मैं सिर्फ माँ की आवाज ही नहीं, बहुत सारी आवाजें निकाल सकती हूँ। चमेली शब्द भी 3 अक्षर का है, प्यार भी 3 अक्षर का है, और जिंदगी भी 3 अक्षर का है। जीवन में हर चीज 3 अक्षर की होती है। मेरी बातों पे गौर करोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा तुम्हें, प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा। ये सब कैसे करती हो? ये सब तो अपने आप आ जाता है। हेमा। अरे बाप रे, माँ बुला रही है। हेलो, इतना डरते क्यों हो? अपना मैटर माँ को पता है। क्या, कैसा मैटर? ओह जैसे कुछ पता ही नहीं।
अरे मैंने अपने सारे दोस्तों को यहाँ बुलाया है, वो कभी भी पहुँचेंगे यहाँ पर। लेकिन बस का भी टाइम हो रहा है, तुम आगे जाओ, मैं उनके साथ बस स्टैंड पे आता हूँ। दीजिए बॉस। भालू संभल कर जाना, फोन करना। हाँ तुम दोनों साथ जा रहे हो? हाँ माँ। और हाँ इनको ठीक से पहुँचा कर आना। हाँ हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, संभल कर जाना। हाँ चलो चले। ये क्या, मैं गांव जा रहा हूँ और तुम यहीं पर खड़ी हो? जा रहे हो ना, तो जाओ ना। वापस क्यों आए? क्यों, क्या हुआ? तुम चले जाओ, अगर मुड़कर देखूंगी तो रोना आ जाएगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। एक पानी की बोतल। हेलो बॉस, अभी पैसे की जरूरत नहीं है, जब हम आपके गांव आएंगे ना तभी दे देना। हाँ बालू, ये लो। देखो लेके आया। हाँ ये पानी। पहुंचने के बाद फोन करना भूलना नहीं, संभल के जाना। बाय बाय। क्या हुआ, खाना ठीक से खा लेना टाइम पे। ठीक से जाना और फोन करना मत भूलना। ठीक से जाना। बाय बाय। हां हां, चलो बाय। एक मिनट रुकिए, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। ये क्या हो रहा है? ये कौन है भाई? भाई आप जाइए, आप जाइए, आप रुक जाइए, आप जाइए ना यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, आप रुकिए, आप रुकिए, मुझे बात करनी है, आप रुकिए। बेटा तुमने किस पर हाथ उठाया पता है? वो काशी है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मार देगा। क्या कहा, काशी? हाँ तू मेरे को जानता नहीं है। Yeah!
लड़का मदुरई का रहने वाला है और उसका नाम बालू है। काफी दिनों से टीचर घर में रह रहा था और उसके बेटे का दोस्त है। टीचर को उठा कर लाया हूँ। उस लड़के को उठा के लाने के बजाय तू इस टीचर को उठा कर लाया है? अरे उसके बारे में पता चला तो उसको उठा के ला। जा मदुरई फोन लगा। हेलो हेलो, मैं काशी जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या काम है? एक लड़का है जो यहाँ हाथ उठा कर गया है। गांव में नया है क्या? किस पर हाथ उठाया? भाई के ऊपर हाथ उठा कर गया है। क्या बोल रहे हैं, भाई पर हाथ उठाया उसने? कौन है वो? नाम बालू है, मदुरई में कहीं रहता है। ठीक है, फोन रखिए, मैं 10 मिनट में उसके बारे में पता करके आपको फोन करता हूँ। ए, चल रहे हेलो भाई, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, उस लड़के की डिटेल बताएंगे? अरे मैं कितनी बार आपको उसके बारे में बताऊँ? वो क्या है कि आप लोगों ने उस पर हाथ तो नहीं उठाया ना? अरे यार ये क्या पूछ रहा है? वो बहुत बड़े घर का लड़का है, तुरई का बेटा है। तुरई इस पूरे एरिया का बहुत बड़ा बादशाह है और उसके सामने पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। वो जो कह देता है वो पत्थर की लकीर है। आपने मुझसे कहा है लेकिन मदुरई में फोन करके किसी को मत कहिएगा। मैं इसीलिए ये बात आपको फोन करके बता रहा हूँ कि आप इस मैटर को यहीं पे क्लोज कर दो। ध्यान से सुन लो, यहाँ के सब लोग मेरे दिल में बसे हैं। कोई तो उठाने से हर कोई बड़ा गुंडा नहीं होता। अगर तुम यहाँ खून खराबा करोगे तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मेरे हाथ से नहीं बचेगा।
मर्द है वो सच ही बोलता, वो तो धर्म रक्षक है न्याय देवता, शेर दिल पालक है कभी ना हटता, वो तो कर्म योगी है सुकर्म ही करता, पालनहार सबका रक्षक बनता, संहारकारी है ये भक्षक जनता, है वो योद्धा जांबाज किसी से न डरते, वीरों का वीर है वो रहता नहीं झुकते, दिल का राजा है वो सबका स्वामी, लड़ने में सबके आगे है वो युद्ध कामी। एक मसीहा जो सबसे प्यार से मिलता है यहाँ वहाँ, निकलता है वो जब लगे शेर जैसा, रखो धड़कने थम जाती जब वो करे इशारा, वो है महान अपने महानता से, वो कर्म राजा है कर्म के पालन से, दिल का राजा है वो सबका स्वामी, लड़ने में सबके आगे है वो युद्ध कामी, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसकी ही याद आती है, उसने मुझ पे हाथ उठाया है, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मेरे से बच नहीं सकता, चीर के रख दूंगा, काट कर रख दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, चलो जल्दी यहां से। रुकना, देखो मत, देखो क्या है, देखना, अब फंस गया ना तू, ये सब क्या है, लिपस्टिक, हेयर क्लिप, चुड़िया, अरे ये सब क्या है, तुम्हें कोई अकल वकल है या नहीं, ये सब लड़कियों का सामान है, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड, ये सब मैं तुमको क्यों बताऊं? ए, अभी तुमने नहीं बताना तो नीचे जाके अंकल को बता दूंगा, अंकल जी, चिल्लाओ मत, तो बता दो ना, देखा उसे कैसे शर्मा रहा है, क्या बताऊं, लड़की हो तो वैसी हो, शांत और सुशील, किसी को इज्जत देनी हो तो उससे सीखो। हेलो, माचिस है क्या? 10 शब्द बोलने की जगह सिर्फ एक शब्द बोलती है। ए, कृष्णमूर्ति। वो तुम लोग के जैसी नहीं है, विशाल। तुम लोग तो इज्जत ही नहीं देती हो। लेकिन वो तो बहुत ही समझदार है। वो उड़ के आ रही है या चल के कुछ पता ही नहीं चलता। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे हवा में पायल बनती हो। और उसकी पायल की आवाज से उसके आने का एहसास होता है। लड़की हो तो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। उसकी हाइट, उसकी आंखें बिल्कुल मूर्ति की तरह है। उसका चेहरा बिल्कुल परी की तरह है। सर से पांव तक अप्सरा है वो। अब अगर बोलना चाहूँ तो और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। और अभी जो मैंने कहा वो तो सिर्फ 50% है। और बताने जाओ तो रात कम पड़ जाएगी। ए, चलो चलो, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, सारी बातें अंकल को बता दूंगी। चलो, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आ रहा है तू? तुम जाओ, देख लूंगी। जाओ ना। भाई साहब, आपने उन लोगों से समझौता किया था और उन लोगों ने कसम खाई थी कि आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये देखिए।
ये काम करके आ रहा था तो उन लोगों ने मारा इसको। अब आप ही बताइए क्या करेंगे। हम लोग आपकी वजह से अभी तक खामोश बैठे हैं। उन लोगों को उठा के ले आओ। चलो निकलते हैं। अंकल क्या हो गया? पिताजी इतना गुस्से में क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? ये तुम क्यों सोच रहे हो? जाकर आराम करो। ए, गाड़ी निकाल रहे। अंकल अंकल ये आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? झगड़ा करने के लिए? मैं भी आपके साथ आऊँ? ये तेरे बस की बात नहीं है। तू अपना काम कर। तेरे बाप को अगर पता चला ना, जा जा तू अपना काम कर और पढ़ाई कर। दूध के दांत टूटे नहीं, लड़ाई करने चला जा, अपना काम कर। ए, चलो रे। अंकल ए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे अभी साथ चलता हूँ ना। अरे पिक्चर है क्या जो तुम साथ चलोगे? ये झगड़ा है, किसका सर कट कर किधर जाएगा किसी को पता नहीं है। वैसे भी खून देखकर बेहोश हो जाओगे। जाओ जाकर पढ़ाई करो। ए, सुनो ना यार, मुझे भी साथ लेकर चलो। ए भगवान, इतनी जिद कर रहे हो तो चलो फिर। वैसे भी बड़े लोग जा चुके हैं, हम लोग दूसरी गाड़ी से जाते हैं। चलो जल्दी चलो। चलो चलो, आवाज मत करना। क्या नाटक है तुम लोगों का? नहीं सुधरोगे क्या? हा? भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे अभी पता चला है। और हम ये भी जानते हैं कि हम आप लोगों से लड़ नहीं सकते। ये सब काम उन नौजवान लड़कों का ही है। अभी आप अपना गुस्सा शांत करके यहाँ से जाइए। कल सुबह मैं खुद उन लड़कों को आपके पास मैं घसीटता हुआ लेकर आऊंगा। तुम लोग क्या नियम को फॉलो कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे भरोसा करे तुम पर? इस बात के लिए आप हम लोगों को माफ। यहाँ झगड़ा नहीं होगा क्या? हे भगवान, थोड़ा सब्र तो करो, अभी तो बातचीत हो रही है, स्टार्ट है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये मुक्का जरा इसे अपने बारे में बता तो दो। हम लोग शेर हैं। इतनी रात गए आपको इधर आने की तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। इनकी बातें तो दिल को छू रही है। पिताजी ने तो कहा था कि इन लोगों को उठा कर लाओ, ये लोग तो बात कर रहे हैं। आप इतना क्यों टेंशन लेते हो? अभी तो बहुत झगड़ा बाकी है, देखो तो सही। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए, समझे तुम लोग? कल सबको लेकर आना वहाँ पर, समझे? ठीक है भाई, मैं लेकर आऊंगा। अरे मुक्का वो लोग निकल गए, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करना। अरे जल्दी स्टार्ट कर यार, किधर भाग रहे हैं? रुक रुक, अरे रुक, गाड़ी छोड़ कर किधर जा रहे हैं? मुक्का रुक, अरे रुक तो। अरे हे भगवान, अरे आ जा, अरे अरे यार छोड़ो मुझे। सुनो, अगर हम लोग दौड़ का मुकाबला रखेंगे तो मुझे विश्वास है यही जीतेंगे। आप लोग मुझे उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? छोटे साहब तो उधर गाड़ी में हैं। वो यहाँ क्यों आए हैं? अरे उनको झगड़ा देखना था, इसलिए उनको लेकर आया मैं। चुप, रोता क्यों है? चुप रह। क्या बात है, इन लोगों ने तो गाड़ी यहीं छोड़ दी, इसका क्या करेंगे? चलो चलो, इसी गाड़ी से हम लोग घूमते हैं। वो लोग क्या अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझते हैं? क्या समझते हैं हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? अरे कम से कम अब तो तुम लोग नाम कमाओ, चलो चलते हैं। अरे यार कुछ तो आवाज आ रही है। अरे पंछी के चहकने की आवाज है, चल। सुनो, मुझे लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। मैं जैसा कहता हूँ तुम लोग वैसा ही करो। हैं, तू वहाँ जाकर गाड़ी के अंदर से चेक कर। चल जल, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे जा जा, देख। हाँ हाँ, देखना, देख देख देख, जल्दी कर, देख क्या गड़बड़ है। जा 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 जा। Hey!
तो हड्डी पसली एक कर देते। वो बात ये है कि छोड़ो ये सब, घर पहुंचकर बात करेंगे। चलो ये तो किधर गया था, चलो खाना खा लो। भाई हमने मना किया था लेकिन ये जबरदस्ती आ गए। आप क्यों सुनेगा, बड़ा हो गया है, पढ़ लिख लिया है, अभी हमारी बात क्यों सुनेगा। मुझ को तान कर पीठ के पीछे तलवार छुपा कर रखना, ये सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तलवार से कितनों की जान जाती है ये नहीं जानता, कितने घर बर्बाद होते हैं। पिताजी वो बात नहीं है। ओ नहीं तो क्या बात है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल नहीं, दुनियादारी हम नहीं जानते, पूर्वजों से तलवार हमारे खानदान में चली आई है, अब बोलो समझे, ये हम अपने लिए नहीं करते, ये सब कुछ करना हमारी मजबूरी है। जिन लोगों के हाथ में तलवार है उनसे दुश्मनी पुरानी है, ये दुश्मनी कब खत्म होगी हम भी नहीं जानते, ये सब कुछ हम पर छोड़ दो, तुम्हें बिल्कुल बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, जा। बेटा आजा। तलवार पकड़ने के लिए और एक हाथ तैयार हो गया है, मत सोचना भैया मैं वो ठीक है जाओ। आइए आइए बैठिए। क्या बात है भाई, आप अचानक आ गए, ऐसा क्या काम आ गया, क्या हुआ बोलिए बोलिए ना, हाँ क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ। वो क्या है कि भाई को एक लड़के ने इज्जत चली गई है, अब छुपाने की क्या कोशिश कर रहा है, एक लड़का मेरे को मार करके निकल गया पता नहीं कहां।
कौन? नाम बालू है और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। टेनिस जिले के बगल में लक्ष्मीपुरम में दुरई का लड़का है। उसकी ये हिम्मत, उसने मारा? अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ उसकी ये हिम्मत, किसी का भी पैर काटना हो, सर काटना हो, 2 मिनट में कर दूंगा। मेरे लिए आपने बहुत किया है, लेकिन इस काम के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाई। नहीं कर सकता मैं ये काम, नहीं कर सकता। हम लोगों की जात और खून एक ही है, यही कारण है मैं उन लोगों के खिलाफ आपकी मदद नहीं कर सकता। आप लोग दूसरा कोई भी काम बोल दीजिए, मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन इस काम के लिए माफ करो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, जाइए आप लोग। क्या भाई, आपके भरोसे आया था, खाली हाथ भेज रहे हो? बहुत दुख हो रहा है, मुझे 10 रुपया दे दो, खाली हाथ मत भेजो मेरे को। दस बोला तो 10 ही देना मेरे को। साला एक खून का है बोल रहा था, कहीं उधर जाके हमारे खिलाफ बोल दिया तो? ये खून करने आया था, न जाने कितने करने पड़ रहे, अभी और न जाने कितने लोग बाकी हैं। मैंने तो अपनी आंखों से उसके कारनामे देखे हैं, वो किसी से डरने वाला नहीं है। अब हम लोगों को उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही की तरह वो शेर की तरह शक्तिशाली है। मैं कहता हूँ अब उसको जो वो करना चाहता है करने दीजिए उसे, अब आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए।
क्यों भाई साहब, तलवार उधर फेंक कर इधर लॉज में आराम से छुप कर बैठे हो क्या? हाँ अच्छा अच्छा है, तुम उस पर नजर रखे हुए थे ना, तलवार फेंक के मारी। देखा, मैंने सब देखा है। मैं भी देखना चाहता था कि वो कैसे मरेगा, लेकिन हमेशा लेट आने वाली ट्रेन इस बार सही वक्त पे आ गई और खेल खलास। ये फेंका हुआ कोयता, मेरे अलावा दूसरा कोई तुम्हारा कोयता देखता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। इतनी आसानी से मार नहीं सकते उसे, वो कोई केले का पेड़ नहीं है, वो एक बरगद का पेड़ है, बरगद का। उसे बड़े ध्यान से काटना होगा। 15 साल की दुश्मनी है मेरी, 15 साल की। मुझे उस गांव से अलग कर दिया, लेकिन मैं कम नहीं हूं। मैं उसके घर के एक एक कोने से वाकिफ हूं, कहां दरवाजा है, कहां खिड़कियां हैं, मैं सब जानता हूं। हाँ, मैं आपके साथ हूं। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कार्तिक है क्या? नहीं है बेटा, वो दूसरे गांव गया है। कहाँ गए? सुबह ही गया है, पता नहीं कब आएगा। उसका कोई फोन नंबर है क्या? नहीं है, उसने अपना नंबर नहीं दिया। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तू परेशान है, सुबह से मैं तुझे देख रही हूँ। क्या सोच रहा है, बोलना। अरे बोलना। वो लोग शहर में नहीं है, कहीं दूसरी जगह चले गए। अच्छा, तो इसलिए तू टेंशन लेकर बैठा है। अरे बाबा, वो लोग तो सिर्फ गांव ही छोड़कर गए हैं ना, है तो आंखें जमीन पर ही, और तेरा दिल उसके पास है, ये तो तू अच्छी तरह से जानता है। एक न एक दिन वो जरूर आकर मिलेगी तुझसे। ए, पूरा गांव घुमाएगा क्या? जल्दी से किसी से पूछना यार। भाई साहब, किसी अच्छे वैद्य को दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप भी मेरी तरह लंगड़े हो जाओगे। चलो इसी पान वाले से पता पूछते हैं। भाई, वैद्य का घर कहाँ है? क्यों, मोष्टी करवानी है क्या? चलो मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, बता देता हूँ। भाई वो उड़ा दे उसको, खत्म कर दे उसको। ए, ए, तेज चला, जल्दी। भाई साहब, सुनिए, वो जिंदा जा रहा है ना? क्या बात कर रहे हो? अगर उसको आपने यहीं पे उड़ा दिया ना, तो कोई भी बचकर वापस नहीं जाएगा। ये पूरा उसी का एरिया है, मैं बताऊंगा कब क्या करना है। ए, आओ आओ। ए, 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 ए। मेरी आंखों के सामने जिंदा जा रहा है। नहीं जाएगा बेटा, तुम कब आया? मुझे ना एक हफ्ता हो गया आके। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो क्या, पहचान भी नहीं दिखा रहे हो? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, देखो टन मार रहा है, टन मार। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? क्या गाड़ी चलाता तू? ओए, अरे जल्दी आओ। क्या चला रहा है, बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह। आ जाओ, आ जाओ। ए, यहाँ से लेफ्ट लोगे ना तो तीसरा घर है, तालाब के किनारे पीला कपड़ा लटक रहा होगा, वहीं पर है। ए, ए, उड़ा दे उसको। भाई साहब, मैंने कहा था एक बकरी को उड़ाया तो इतने लोग आ रहे हैं। चलो सर नीचे करो, नीचे करो। नीचे करो, नीचे करो, छुप जाओ। बाहर निकल, बाहर निकल।
भाई साहब वो जो देख रहा है ना दुरई है वो उस लड़के का बाप। भगवान के लिए जो बकरा रखा था उसे उड़ा दिया। इसे क्षमा कर दीजिए, संभाल नहीं पाएगा। इधर से आया हो? गाड़ी इतनी स्पीड में चलाते अगर बच्चा होता तो वो भी मर जाता। किधर जाना है? वैद्य के घर। वैद्य के घर जाने के लिए यहाँ क्यों आए? उधर से जाओ। क्या भाई साहब उसको ऐसे ही जाने दिया? उसने जानबूझकर नहीं मारा, गलती होगी उससे। मैं उन लोगों से पैसा लेती थी। पैसे दे ना, मैं दे देता हूँ। तू जानती है तू किससे पैसे ले रही है? ये हमारे साहब जी है। इसने कितने प्यार से पाला था। भाई जी खाना खाने के लिए जरूर आइएगा। मेरे गांव में आकर पूछ रही हो कि मैं किधर? अरे बाप रे, मारे गए। मम्मी पापा दोनों अंदर है, रामेश्वरम जाने के लिए यहाँ आए थे। तुम लोग तो वहाँ पर मारपीट करके निकल आए, इसलिए नाराज है। अरे बाप रे, मम्मी पापा ढूंढने के चलती हूँ। अरे बाप रे, पूरी तरह फंस गई। हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। बालू, बालू, मुझे पता था मदुरई में तुमसे जरूर मुलाकात होगी। घर में सब लोग तुमसे बहुत नाराज है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे पति आसपास घूम रहे हैं, उनके सामने मत आना प्लीज। अरे अंकल, आप इधर से आ रहे हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बाकी लोग कहाँ पर हैं? सर, सर, सर। क्या सर, आप तो बिना बताए यहीं से चले गए। बाहर आइए सर, जो भी बातें बाहर आकर कर लेंगे। आइए आइए, हाथ दीजिए ना सर, आइए सर। सब चौपट हो गया। सर, सर, आप इस तरह चुपचाप क्यों जा रहे हो? मेरी बात तो सुनिए सर। सर, सर वो क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत नजदीक आ गया हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। सर प्लीज सर, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। सुनिए ना सर, एक आदमी इससे ज्यादा और नहीं गिर सकता सर। सर प्लीज सर, सर 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 सर। ये सर मैं तो क्या हुआ? क्या मिस्टेक हो गई? ठीक है जाओ। मीनाक्षी, बालू क्या हुआ? उधर छिपकर खड़े हैं। ठीक है, देख लेता हूँ। जाओ जाओ। सर सर, आपको देख लिया, बाहर आ जाइए। ये सब उठा कर रख दे। तुम लोगों को कहाँ का नहीं ढूंढा? क्यों, हम लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग कहीं छिपे नहीं थे, हम यहीं पे थे। चलो चलते हैं। अरे मंदिर आए, थोड़ी देर बैठने दे दो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? चलो चलो दो। पता नहीं इनको क्या हो गया, क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं। चलो, इतनी जल्दबाजी क्यों है पता नहीं। चलो पकड़ो।
इसीलिए मैं बोल रहा था मदुरई नहीं जाना है, जिसे नहीं देखना था उसको देख रहा हूँ। मैंने किसको मारा पता है आपको? वो एक गुंडा था, मावाली था, मेरी नजरों के सामने गलत हो रहा था इसलिए मारा। आपने कहा था गीता में लिखा है कि अन्याय के खिलाफ भगवान अवतार लेकर आते हैं, वो अवतार आपके पहचान वाला हो या पड़ोस का हो तो आपको परेशानी है, आपको ये डर है कि आपके घर की खिड़की टूट जाएगी। मैं सच बताऊं, एक हफ्ता आपके घर पर रहने के बाद ऐसा लगे कि मैं स्वर्ग में था। सॉरी सर, माफ कीजिए ना सर, कसम खा के कहता हूँ सर, आपके घर में मैं जितने दिन रहा बहुत ही अच्छा लग रहा था सर, आप सब वहाँ के लोग फ्रेंड्स वगैरह सब मुझे अच्छे लगते हैं सर, मुझे गलत लगा इसलिए मैंने उसे मारा, जुर्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कभी भी नहीं। सॉरी सर, आप लोग इस मंदिर में शांति के लिए आए हैं, अगर मेरी वजह से आपको कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए, चलता हूँ सर। जाता हूँ। बालू, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तुमको हेमा ने फोन करके बताया ना, बता ना। मुझे उसने फोन करके नहीं बताया, मेरे फ्रेंड कार्तिक ने बताया। आजा। ए, चल बिन, अरे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? ए, रुक 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 रुक। ए, वो कहाँ है? चल 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 चल। ऊपर है क्या? ऊपर? आज दिवाली है। हाथ कहीं और है, पैर कहीं और, ऐसी लड़की को लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे भाई, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो उसे, छोड़ दो। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैं सच कहूँ, जब मैंने पहली बार उसे देखा था, बहुत ही सुंदर आंखें और उसकी हिरनी जैसी चाल, मुझे तो गलत लग रही थी। ये सब तुम लोगों को नहीं पता, मैंने जो देखा वो अलग, तुमने जो देखा वो अलग, ये सब लव है, प्यार। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, बस वो नहीं चाहिए। तुम लोगों को पता नहीं वो कैसी बात करती है। अरे बाप रे। बालू, बाथरूम में कुछ मिला है तुम्हारा? क्या तुम कहाँ भाग रहे हो?
जवानी है बस दीवानी, रस में तोड़े दिल से, सुने सबकी करे दिल की, समझे भाषा नयन से, मनाना है मुश्किल ये सहना है मुश्किल, बताओ सुनाओ सबकी ये सिर्फ सुने दिल की, इश्क ने जब दे दी दस्तक तो माने न कोई माना, इसे रोकना चाहूं तो नहीं रुकता है लगे ये अनजाना। किन्ने जब दी दस्तक तो माने न कोई माना, इसे रुकना चाहूं तो नहीं रुकता है लगे ये अनजाना। रंग भरे प्यार का ये आसमा, पति झड़ दे के गया दिल के मीठे अरमा, तू न झूठ बोल न सच बोलता जा तू सदा, ये जो तेरी अदा हम देख कर हुए फिदा, सदा सदा के लिए हम साथ साथ रहेंगे, यहाँ वहाँ तेरे लिए कभी ना भटकेंगे, दिल की बात आ गई है लबों पे, आ गया है लब पे मेरे नाम अब तेरा, जो कसम हमने साथ ली है उसे निभाएंगे। कसक जिंदगी की राह पे, दीवानगी की हद सनम तेरी बाहों में, इश्क नहीं आसा ये सतरंग रंग के, ये दिल की धड़कन है सदा तुम्हारे लिए, एक सवाल तुमसे है क्यों लगती हो प्यारी परी, तुम तो हो लाखों में एक इस जमाने में, ना बढ़ाओ कदम को तुम ढूंढो ना बहाने, जवानी बस है दीवानी, रस में तोड़े दिल से, सुने सबकी करे दिल की, समझे भाषा नयन से, मनाना है मुश्किल ये सहना है मुश्किल, बताओ सुनाओ सबकी ये सिर्फ सुने दिल की, जब दे दी दस्तक तो माने न कोई मना, इसे रोकना चाहूं तो नहीं रुकता है लगे ये अनजाना, इश्क में जब दे दी दस्तक तो माने न कोई मना, इसे रोकना चाहूं तो नहीं रुकता है लगे ये अनजाना। ये तुम लोग हमेशा क्या कहते रहते हो, ये बातों से सॉल्व होने वाली समस्या नहीं है, कितनी भी जान जाने दो, आज तुम लोग बचोगे या फिर हम लोग बचेंगे। ये सब करना था तो पंचायत ही क्यों बुलाई? ए, ये पंचायत हम लोगों ने नहीं बुलाई है, ये पंचायत आप लोगों ने खुद बुलाई है, और आप बातचीत कर रहे हो,
हम लोग भी आपकी बात सुनने वाले कोई गधे नहीं है। हमारे पास भी धार लगी हुई तलवारें हैं, देखते हैं किसमें कितनी धार है। सुन, एक बड़े आदमी को इज्जत देने की बजाय इस तरह की बातें कर रहे हो, गधे कहीं के। अरे गधा, किसको बोल रहा है, कौन है रे तू? पंचायत तुम लोगों ने बुलाया, हम लोगों ने नहीं बुलाया। ए भाई साहब, तुम लोगों के लिए हमारे लिए नहीं है। तुम लोग सुधरने वाले नहीं, तुम लोग जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते मरते हुए थकोगे नहीं। हाँ, लड़ने से हम भी नहीं डरते। आ जाओ मैदान में, देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। बेटा, आप यहाँ से चले जाओ। क्या, आप पहले यहाँ से निकलिए। हाँ तो आ जाओ मैदान में, भी नहीं डरता। हिम्मत है तो काट के दिखा। देखा था? उधर देखा था। भालू किधर है? आप इधर भी शुरू कर दिए, हम लोग बाहर मारपीट कर रहे हैं और आप शटर बंद करके मारपीट कर रहे हैं। जगह देते हैं तो इनको यहीं गाड़ देते। चलो, पिताजी बाहर खड़े हैं। हमने उनको सही जवाब दिया है, आज के बाद वो सुधर जाएगा। हाँ भैया जी, आज के बाद वो लोग यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तुम कहाँ गए थे? आपने कहा था ना कि झगड़ा नहीं करना, तो बाहर आराम से खड़े थे। ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मारो भाई, मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने आपको मना किया था, फिर भी मेरी बात सुनी नहीं आपने। थोड़ी सी बिगड़ती होती तो क्या होता। ये सारी जगह घूम कर देख लो, कभी ये मेरी हुआ करती थी, छीन कर बांट दी, मुझसे मेरी जमीन छीन कर लोगों को दे दी और निकाल दिया मुझे गांव से। मैंने पूरे गांव को अपने आप से खुद अलग कर दिया है। मुझे गांव से निकाल कर मेरी जमीन हड़प करने निकले थे ये लोग, मैं थोड़ी सुनूंगा। भाई साहब आप यहीं पे रहिए, एक मौका मिलेगा उसे काट देने का और मैं बताऊंगा वो मौका। ए, अपने आदमी पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो समझ रहा है बाहर का आदमी है। आथू मोनिका, उनको देख। कहीं अंकल तो नहीं आ रहे? क्या कर रहे हो? रुक। क्या हुआ? मैं तो पोछा मारने जा रहा हूँ। रुक काना। अरे वो मत जा, चल यहाँ से। मुझे छोड़ दो। अरे बाद में जाना अंदर। भाई साहब वहाँ है क्या? तो मैं अकेला बॉडीगार्ड हूँ यहाँ पर। कहती हूँ, बालू जब से उस लड़के से मिला है वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। हमें अपने बारे में सोचने के अलावा बालू के बारे में भी सोचना चाहिए ना अंकल। बालू उस लड़के से बहुत प्यार करता है और वो लड़की भी उससे। ये जानने के बाद भला मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ अंकल? बालू की खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बालू की जिंदगी से हट जाऊंगी। क्योंकि अगर बालू की शादी मुझसे होगी तो उसे उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा अंकल, और फिर ऐसा हुआ तो हम दोनों भी नहीं खुश रह पाएंगे। अंकल वो लड़की बहुत ही सुशील है और बहुत खूबसूरत भी है, बालू के लिए सही रहेगी। ए जा। ए चल। डरने की बात नहीं, चल ना, मुझे डर लग रहा है। चल। ए, पैर छू ना। ओ थाली ले आओ। अब Thank you.
मौका है भाई साहब। भाई साहब तलवार को धार लगा दीजिए, वो मेले में अपने पूरे परिवार के साथ आने वाला है, सबको एक साथ काटेंगे, एक साथ काटेंगे भाई साहब, पूरा गुस्सा उस पर उतार देना। कहाँ पे? जाकर देखो लाइट कैसे बंद हो गई। जाना यहाँ खड़ा है। अरे उस साइड जा। वाह। बालू। बालू। उधर 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 देख। हाँ। सब कुछ। अरे छोड़ दे भाई, भाई पकड़ो पकड़ो, बच रहे हैं भाई, पकड़ो उसको। भाई मैं ठीक हूँ, बालू को देखो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बालू मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जल्दी से गाड़ी निकालो, जल्दी नहीं हुआ। हटो हटो ऐसे, हटो आगे से, हटो आगे से, हटो हटो हटो। मले स्वामी, जो कुछ भी मैंने सुना है वो सच है क्या? भाई मैं तिरुपति बोल रहा हूँ, भाई साहब के ऊपर किसी ने हमला किया है। क्या कह रहे हो भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, किसने किया ये सब? उन पर हाथ डालना ना मेरी हिम्मत है और ना ही मेरी कोई दुश्मनी। उनका और हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम देखने जाएंगे। डीए सर उनको देखने आ रहे हैं, तो आप भी आ जाओ, सब लोग साथ में देख लेंगे। कह रहा हूँ, लाइट ऑफ करके आप पर हमला करना, हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, ये हमने नहीं किया साहब जी। आप हमारी बात का यकीन मानिए साहब जी, ये सच कह रहे हैं, हम लोगों ने नहीं किया है। मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए तुम लोगों के दिल में प्यार है, इसीलिए मुझे देखना है। लेकिन मेरे डर से तुम लोग मुझे ये बताने आए हो कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे जात बिरादरी में ऐसा कोई नहीं जो पीठ पे वार करे, ये हमारे गांव का नहीं हो सकता, वो कोई बाहर के गांव का होगा, वो मुझे नहीं बालू को मारने आया था, बालू को मारने। हाँ बालू ने लगता है कुछ गलत काम किया है, जाकर पूछो उसे।
अरे कुछ नहीं किया। आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया? मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। मैं चलो यहाँ से। रुको भाई साहब, हाथ उठाकर भाग रहे हो? कहाँ तक भागोगे? मार डालूंगा तुम्हें। भाई साहब के ऊपर हाथ उठाने वाले को छोड़ेंगे क्या? पकड़ो उन्हें। समझते क्या अपने आपको? छोड़ेंगे नहीं, पकड़ पकड़ के मारेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? इसकी जान ना? अगर मारना है तो मेरे सामने मारो, पीछे से वार मत करना। अगर तुम अद का बच्चा है तो मार इसे। Thank you.
मरे हुए सांप को मारने की हमारी परंपरा नहीं है।
जिस दिन तेरे हाथों में तलवार पकड़ने की ताकत आ जाए उस दिन मुझे मारने आ जा। इसी गांव में मारूंगा, इसी जमीन पर मारूंगा। जिस दिन तुझमें दम आ जाए चले आना।